हेलो दोस्तों, आज मैं आलू के गुटके बना रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं और ये मैंने आलू जो है उबले हुए आलू काट करके रख दिए हैं। अब हम इनका बनाएंगे आलू के गुटके। और इसके लिए मैंने सामग्री जो है रख दी है। यह है थोड़ा जीरा और यह है मसाले, ये टमाटर है, ये थोड़ा हरा धनिया है, ये प्याज है कटे हुए और ये दो मिर्च है और ये है जीरा। और यहाँ पर मैंने दो कढ़ाई रखी हुई है। एक है ये, क्योंकि ये पैन है तो ये पतला है थोड़ा, इसमें मसाला जल जाता है, अच्छे से नहीं बनेगा। तो मैं बनाऊँगी इस वाले कढ़ाई में। ये थोड़ा ब्लैक कलर की है, कढ़ाई गंदी नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। और ये मैंने इसमें जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और ये मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, इससे भी अच्छा स्वाद आएगा। ये हरी मिर्च पक रही है, मैंने डाल दी है। और ये डाल दिए मैंने कटे हुए प्याज। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनते हैं। ये प्याज ब्राउन होने वाले हैं तो तब तक हम इनको थोड़ा सा और भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें मिक्स करके मसाले और नमक और टमाटर डाल देंगे। ये मैंने इसमें मिक्स करके मसाले, नमक और टमाटर डाल दें। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए और मसाले पकेंगे। तो थोड़ा सा और 2 मिनट पकने देते हैं इनको ढक्कन लगाकर। और ये ग्रेवी बस तैयार हो ही चुकी है। एक बार हम इसे चला के देखते हैं कि ग्रेवी पकी या नहीं। तो ये लगभग पक चुकी है और ये ग्रेवी लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। और मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और अब मैं इसको मिक्स करूंगी, आलू और जो ग्रेवी है इसको जो है इसमें मिक्स किया जाएगा। और ये हमारे आलू के गुटके तैयार हो रहे हैं। और ये हमारे गुटके बस तैयार हो चुके हैं। अब आप इनको जो है रोटी के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी, स्नैक्स के तौर पर यूज कर सकते हो, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप कैसे इनको यूज करते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नाम है अनुराधा क्रिएटिव वीडियोज़। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।